बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पढ़े थे कि उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम टाइप फोर जो है वो पढ़ते हैं कि टाइप फोर में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है या फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप फोर में अगर हम देख ले तो हमारे पास इस टाइप का अगर एक फैक्टर है और इसके साथ दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस एक कांस्टेंट भी है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सिचुएशन हो तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है और यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। इसका मतलब ये है कि इस टर्म में और दूसरे टर्म में जो पहले दो टर्म है ये सेम है और यहाँ पे सिर्फ सी है और यहाँ पे डी है, तो ये दोनों डिफरेंट है। इसकी वजह से हम कैसे इसको डील करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के टाइप फोर का एक टाइप ये है, फिर टाइप फोर की तीन टाइप्स और भी हैं। तो टाइप फोर में सबसे पहले हम जो है ये टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया कि इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इधर भी है, जैसे वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स। ये जो टर्म है वहां पे सी था और यहाँ पे ये डी है। इसका मतलब सी डी इसलिए नाम दिए गए हैं कि सी और डी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे सी 10 है, यहाँ पे डी 12 है और ये वो के है जो वहाँ पे फार्मूले में है। तो इस शेप में अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक एजम्पशन हम करेंगे और वो एजम्पशन ये है कि जो टर्म सेम आ रहे हैं दोनों फैक्टर में उसको हम एक और टर्म वाई के बराबर पुट कर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स को हम वाई के बराबर अगर पुट करें तो ये वाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह इस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स की जगह यहाँ वाई आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये प्लस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 प्लस 1। अब अगर हम y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें तो y y के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। और y फिर y 12 के साथ 12 y हो जाएगा, फिर 10 और y मल्टीप्लाई होकर 10 y, फिर 10 12 मल्टीप्लाई होकर 120 और ये 1 जो है एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 22y हो जाएगा, 121 को ऐड करें तो ये 121 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, लेकिन ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पहले से पता है कि इसको कैसे हमने हैंडल करना है, यानी ये जो है ये किस किन किन चीज़ों को मैं 11 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो उससे 121 आता है और इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो उससे 22 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम 22y को 11y और 11y की शक्ल में लिख के यहाँ पे y प्लस 11 कॉमन लेके ये हमारे पास आ गया। अब y प्लस 11 इंटू y प्लस 11 हमारे पास y प्लस 11 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये y प्लस 11 स्क्वायर हो गया। अब टाइम आ गया है कि इसमें हम वैल्यूज वापस पुट कर दें, तो अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 एक्स वाई की वैल्यू है और प्लस 11 होल स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 11। तो ये तरीका है हमारे पास टाइप फोर के एक सब टाइप का जो है वो सॉल्व करने का। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी वही है, इसमें दोबारा जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये अगर आप देख ले तो ये सेम है, तो इसको आप वाई के बराबर पुट कर ले, फिर उसको वाई में सॉल्व कर ले और वाई को आखिरी हद तक ले जाए और फिर वापस ये वैल्यू जो है वाई के पुट कर दे इसमें बैक, ठीक है जी। तो यही एग्जाम्पल 15 में भी किया गया है और वाई की वैल्यू वापस पुट की गई है और ये इस तरह के फैक्टर्स में लिखा गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फिर जो है दूसरा टाइप है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के। इसको अगर हम देख ले तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं और इसमें अगर आप देख ले कि x का कोई स्क्वायर नहीं है, ये भी टाइप फोर ही है। x में कोई x का कोफिशिएंट यानी x का पावर सब फैक्टर्स में 1 ही आ रहा है, ठीक है, और आखिर में एक कांस्टेंट के। अगर ये इसमें ना होता और फिर हमें कोई कहता कि इसको फैक्टराइज करें तो ये बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स है, तो हम दोबारा क्यों उसको फैक्टराइज करें, ठीक है। तो ये इसके रिवर्स प्रोसेस होगा। तो इस प्लस के की वजह से हम ये सारा सब कुछ जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, अब जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 है। अब इसको अगर हम देख ले तो इसको इन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, एक्स प्लस 1 के बाद
वो यहाँ पे X+4 ले आए हैं और X+2 के बाद X+3 तो वैसे भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन से टर्म्स आपस में इकट्ठे कर लें? तो ये टोटल चार टर्म्स है डियर स्टूडेंट्स। इन चार टर्म्स में आपने देखना है कि जो दूसरा यानी कौन कौन से टर्म अगर हम ऐड करें तो वो आपस में बराबर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चार टर्म्स का जो दूसरा टर्म है, एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है और चौथे का 4 है। तो इनमें हम दो टर्म्स कौन से ऐड करें जो दूसरे दो टर्म्स के समेशन के बराबर हो? तो यानी 1 और 4 को अगर हम ऐड करें, 1+4 ये भी 5 आता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, 2+3 को, ये भी 5 आता है। तो इसका मतलब है कि 1+4 इज इक्वल टू 2+3। ठीक है, यानी पहला और चौथा यानी 1+4 वाला टर्म, यानी जिसमें 1 और 4 है, वो इकट्ठे आप लिख ले जिस तरह इन्होंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि 1+4 इज इक्वल टू 5 आता है, और आप दूसरा जो 2+3 है वो इकट्ठे लेके, ठीक है, और इसी तरह ये अरेंज कर दे, और फिर इनको आप आपस में इनको भी मल्टीप्लाई करें और इनको भी मल्टीप्लाई करें आपस में। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा और ये बनेगा। फिर इसके बाद वही जो है, आपने देखा कि ये टर्म इसमें और ये टर्म आपस में बराबर है, तो लिहाजा इसको आप वाई के बराबर पुट करें। तो ये वही पहला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से पहले हमने न्यू वर्क कर लिया, ठीक है, और यहाँ से आगे जो है हमारे पास ओल्ड स्टोरी है, ठीक है ना, जो हमने पहले पढ़ी है। तो आप इसको वाई के बराबर पुट करें और इसको सॉल्व करें, तो वाई के बराबर पुट करने से हम, अब इसको y+5² आएगा आपस में एंड में, और फिर y+5² जब आता है, आप उसमें पुट बैक करें वैल्यू ऑफ वाई, तो वैल्यू ऑफ वाई जो है अगर आप इसमें पुट करते हैं तो x² + 5x आएगा, और ये हमारे पास 2 दफा मल्टीप्लाई के शक्ल में हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल तरीका है। अब स्टूडेंट्स, अब हम अगर देख ले तो लीनियर फैक्टर्स दोबारा यहाँ पे है, लेकिन आखिर में k के बजाय kx² है, k के बजाय हमारे पास kx² है। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आप देख ले कि ये हमें कहा गया है कि इसको आप फैक्टराइज कर लें, तो इसकी वजह से हमें पता है कि अगर ये इसी तरह है, ठीक है, तो हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल के है तो यहाँ पे आपने फैक्टराइज, वो आपको लीनियर फॉर्म में गिवन होगा, x+1 x+2 x+3। ठीक है, अब इसको इसको हमने इस शक्ल में लेके आना है, तो इसको हम कैसे इसके लीनियर फैक्टर्स बना दें हम। ठीक है, तो अगर इसके आप लीनियर फैक्टर्स बना रहे तो ये इस तरह हो जाएगा, x-3x+2, ये ऐसे हो जाएगा, -2x² वहाँ पे रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगर आप देख लें तो इन्होंने -3 -2 को इकट्ठे नहीं लिखा, -2 + 2 को इकट्ठे लिखा है, और -3 + 3 को इकट्ठे लिखा है। फिर वही बात है कि अगर आप -3 और +3 ऐड करें तो ये ऐसे हैं जैसे हम -2 + 2 को ऐड करते हैं। तो इस तरह के टर्म्स को आप इकट्ठे करें जिसका रिजल्ट जो है वो दूसरे टर्म्स के रिजल्ट्स के बराबर हो। तो जैसे इस जिस इनको हमने ऐसे अरेंज किया है, ठीक है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x² - 4 है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो x² - 9 है, -2x² है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप इसको मजीद एक्सपेंड करें, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये x4 - 13, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और ये आखिर में ये वैल्यू आ रही है। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें, यानी 2x² को -13 के साथ, ये 15 आ जाएगा, और +36। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी 36 है और 12 3 36 बन जाएगा। ठीक है, तो -12 + 3 अगर हम करें, -12 × -3, तो -15 इनकी एडिशन से आएगा और +36 इनके मल्टीप्लीकेशन से आता है। तो लिहाजा इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी जो रूट्स है वो x² यानी ये 2x² अब खत्म हो गया। ठीक है, और ये x² - 12 × x - 3 है। अब इसको मजीद हम जो है 12 को हम 2√3² की शक्ल में लिख सकते हैं, 2 4 आ जाएगा और √3 जो है वो यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x² और ये हो गया, और ये x² - √3 को सिंपल √3 की शक्ल में भी लग सकते। अब ये हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई कि ये a+b × a - b के बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये आप देख रहे हैं कि 1/6 ये है, 1/6 ये है, 1/6 ये है, सबसे मल्टीप्लीकेशन
ये फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। तो इसके साथ टाइप फोर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है, और हमने देखा है कि टाइप फोर में कुछ लीनियर फैक्टर्स हैं उसके साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है टाइप फोर में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट है, प्लस के है, और इस तरह भी है कि लीनियर फैक्टर्स हैं और प्लस एक क्वाड्रेटिक टर्म्स कांस्टेंट के साथ ऐड हो रहा है उसमें। तो ये तीन टाइप्स हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हम वो तीन टाइप्स है जो हमने पढ़ लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सारे के सारे जो है यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इसको अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये दो को यानी ये पढ़ लिया हमने, फिर लीनियर फैक्टर्स के साथ ये भी पढ़ लिया। इसमें फिर हमने देखा कि कौन से टर्म्स आपस में हम मिला सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, और इसके बाद लीनियर फैक्टर्स प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी ये भी हैं हमारे पास। इन टाइप फोर के सब टाइप जो है वो तीन हैं। तो ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वसलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।